अगर वो ये कहती है तो मतलब वो चाहती है कि आप आगे बढ़ें। ख्वातीन हमेशा थोड़ी शर्मीली रही हैं। आप इस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि आपको 100% यकीन ना हो कि वो भी आपको पसंद करती है। लेकिन मसला ये है कि कुछ ख्वातीन को पढ़ना नामुमकिन है। इसके लिए हम यहाँ आपकी मदद करेंगे। इस आर्टिकल में हमने उन अलामात को दर्ज किया है कि एक औरत आपको वाजे तौर पर पसंद करती है। अगर आपको इस फहरिस्त में कम से कम आधी निशानियां नजर आती हैं तो इम्कान ये है कि वो आपके कदम उठाने का इंतजार कर रही है और बेसब्री से कर रही है। पहली निशानी, वो हमेशा आपके आसपास रहती है। एक निशानी कि वो आपको बुरी तरह चाहती है वो ये कि वो किसी न किसी तरह हमेशा आपके आसपास मौजूद रहती है। और सिर्फ यही नहीं, वो आपके करीब होने का रास्ता भी ढूंढती है। मिसाल के तौर पर आप कैंटीन में या ऑफिस में अकेले होते हैं तो वो आपके साथ बैठती है। अगर हर बार जब वो आपके चंद मीटर के फासले पर बैठती है तो समझ जाएं कि वो आपको चाहती है। दूसरी निशानी, आप महसूस करते हैं कि वो आपको घूर रही है। हर वक्त आपको ये अजीब एहसास होता है कि कोई आपकी तरफ देख रहा है, लिहाजा आप कमरे के चारों तरफ देखते हैं। फिर आप उसकी आंखों को अपनी जानिब घूरते हुए पाते हैं। वो मुस्कुरा सकती है और फिर दूर देख सकती है या घूर सकती है। ये किसी भी तरह से यकीनी निशानी है कि वो आप में दिलचस्पी रखती है। तीसरी निशानी, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती। आप दोनों के दरमियान कभी भी कोई हल्का लम्हा नहीं होना चाहिए। आप आमने सामने हों, टेक्स्टिंग या ज़ाती तौर पर आप घंटों बातचीत कर सकते हैं और बातें कभी ख़त्म नहीं होती। वो गुफ्तगू जारी रखने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेगी। और अगर वो आपके साथ ऐसा कर रही है तो वो वाज़े तौर पर आप में दिलचस्पी रखती है। चौथी निशानी, वो हादसाती तौर पर आपको छूती है। एक लड़की जो आपको पसंद करती है उसे आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक ना रखना मुश्किल होगा। सिर्फ ये टच ही क्यों ना हो, जब आप उसे हंसाते हैं तो वो आपके बाजू पर थप्पड़ मार सकती है या जब वो आपको कुछ दे रही हो तो उसकी उंगलियां आपको छूने की कोशिश कर सकती हैं। वो आपको आगे बढ़ने और उसे छूने के इशारे देने की कोशिश करती है। लिम्स यानी छूना एक वाज़े अलामत है कि औरत चाहती है कि आप आगे बढ़ें। पांचवी निशानी, जब आप करीब होते हैं तो वो घबरा जाती है। जब आप कुछ फासले पर होते हैं तो वो बेबाक हो सकती है, लेकिन जिस लम्हे आप करीब आते हैं या उस पर गहरी तवज्जो देते हैं तो वो अचानक शर्मा जाती है और अपने आप को आपके हवाले कर देती है। अगर वो घबराती है तो वो ये भी दिखा सकती है कि वो कुछ और कर रही है। और जब आप उससे बात करते हुए उसके करीब जाते हैं तो उसकी जुबान बंद हो जाती है या वो एक साथ बहुत ज्यादा बोल देती है, क्योंकि वो आप में दिलचस्पी रखती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।